दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं जानकारी लेकर आया हूँ पुरुषों के लिए एक बहुत ही यूनिक और इफ़ेक्टिव रेमेडी के बारे में। यह प्रोडक्ट काम आता है मेन वाइटलिटी और विग्योर को बढ़ाने के लिए। वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा किस तरह का यह प्रोडक्ट है, क्या क्या इसका सेवन करने से हमें फ़ायदे मिलते हैं, इसका सेवन करने की सही विधि और सही जानकारी। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में एक डिब्बी रखी है जिसमें कुल मिलाकर के 120 कैप्सूल्स अर्थात 120 कैप्सूल्स भरे गए हैं। इस प्रोडक्ट का नाम होता है वीगो फोर्स, जो कि वीगो फोर्स होलिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित किया गया होता है। बात करें यदि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, तो उसमें गिना जा सकता है कि सबसे पहले यह काम करता है पुरुषों में एक वाइटलिटी शक्ति को बढ़ाने के लिए, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए, और उसके अलावा यह विग्योर को बढ़ाने का भी काम करता है। इसके फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले हम जानकारी करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर गोखरू मिलाया गया होता है जो कि सभी जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा अश्वगंधा इसके अंदर मिलाया गया है। अश्वगंधा में मिलने वाला विथेनोलिड्स एल्कलॉइड रहता है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है पुरुषों की वाइटलिटी और विग्योर को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा बहुत अच्छा ये ब्रेन टॉनिक और जनरल हेल्थ टॉनिक भी रहता है। हरितकी अर्थात हरड़ इसके अंदर मिलाई गई है जिससे कि हमें चैबुलिन मिलता है। म्यूक्यूना इसके अंदर मिलाया गया है जिसके अंदर 10% एल्डोपा पाया जाता है। उसके अलावा आमला इसके अंदर है टैनिन की पूर्ति करने के लिए। शिलाजीत मिलाया गया है, जटामांसी इसके अंदर होती है और पिपली का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही इसके मेन कंपोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या रहते हैं। देखिए, आम तौर पर ऐसा रहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो पुरुषों की लिबिडो को कम करते हैं, अर्थात उनकी जो एक संबंध बनाने की इच्छा होती है अपने साथी के साथ में उसको सप्रेस कर देती है। उसके अलावा उनको इरेक्शन संबंधित दिक्कतें रहती हैं, इरेक्शन पूरा नहीं आ पाता है। और उसके अलावा सबसे मेन समस्या जो रहती है वह रहती है टाइमिंग की कमी, जिसको PME अर्थात प्रीमैच्योर इजेकुलेशन बोल दिया जाता है। तो इन तीनों ही कंडीशंस में यह बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। कई बार ये समस्याएँ शारीरिक ना हो करके मानसिक रूप से रहती हैं। आदमी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, चाहे वो काम के कारण हो चाहे वो थकान के कारण हो, कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है। सुबह को सोकर उठता है तो भी शरीर एक एनर्जेटिक उसको फील नहीं करता है अपने आप को। तो एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए भी और दिमागी तनाव को कम करके और परफॉर्मेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए यह वीगो फोर्स काफ़ी अच्छी एक रेमेडी के तौर पर जाना जाता है। तो हमारे ऐसे पुरुष साथी जो इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हो, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा समय नहीं बिता पा रहे हैं, या उसके अलावा वो दिन भर के काम थकान स्ट्रेस की वजह से लगातार अपने शरीर को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं और हर समय मन करता है कि थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ी देर सो लें, सुबह को सोकर उठने के टाइम पर भी उनको और नींद आती रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी यह वीगो फोर्स बहुत अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट देता है। बात करें फ्रेंड्स यदि हम इसके डोजिंग के बारे में, तो इसके दो दो कैप्सूल हमें दिन में दो बार सेवन करने होते हैं, अर्थात दो बार सुबह के टाइम पर ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं और दो बार रात को सोते समय पर आप सेवन कर सकते हैं। सेवन करने के लिए ताजे पानी के साथ में अथवा गुनगुने गर्म दूध के साथ में इसका सेवन किया जा सकता है। बात करें यदि परहेज इत्यादि के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च पड़ा हुआ खान भोजन, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन आपको नहीं सेवन करना चाहिए। अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीज़न है बॉडी की वाइटलिटी को कम करने के लिए और यह विग्योर को भी नाश करता है, तो अल्कोहल का सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। खाना आपको ऐसा लेना चाहिए कि जिसको खाने के बाद में पेट में भारीपन ना महसूस हो, अर्थात हल्का सुपाच्य जो आसानी के साथ में हजम हो जाए, ऐसा भोजन आपको करना चाहिए, पौष्टिक भोजन आपको करना चाहिए।
और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आप डेली लगभग 20 मिनट की वॉकिंग के लिए जरूर जाएं। सुबह के टाइम पर यदि जाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, बाकी दिन में कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा सप्ताह में 3 बार आप कुछ हल्का फुल्का फिजिकल वर्कआउट जरूर कीजिए। साइकिलिंग आप कर सकते हैं, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, स्विमिंग आदि के लिए भी आप जा सकते हैं, जिससे कि पूरी ही बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में यह विगो फोर्स कैप्सूल आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे लास्ट में यदि फ्रेंड्स हम बात करें इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में, तो 120 कैप्सूल की जो यह डिब्बी है, इसकी जो MRP रहती है 3,399 रुपये रहती है। Amazon के थ्रू आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिस्काउंट लिंक डाला है, जिसके थ्रू यदि आप इस प्रोडक्ट को अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और लगभग 1900 रुपये 1900 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हैं मेरे दिए गए डिस्काउंट लिंक की मदद से। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी इस विगो फोर्स कैप्सूल के बारे में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।